हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि हम एरिया ऑफ सर्कल पाइथन में कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है एक सर्कल का। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। अगर सपोज़ कीजिए कि ए कोई क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है किसी भी सर्कल का, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 1.34 होता है, आपको ये पता है। मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14 होता है पाई का मान, ठीक है। तो यहाँ मैंने पाई का मान लिखा, ठीक है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल आर बना लेता हूँ, आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ फ्लोट वैल्यू चूज करूँगा, फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे दे दूँगा वो मैसेज जो कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, एंटर द रेडियस। रेडियस होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे एरिया, चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब वो कोई भी रेडियस हो सकता है, हम वो रेडियस यूजर से एंटर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अब इसको करना है क्लोज, ठीक है। और यहां पे नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे तो यहां पर हमें एरिया कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिखता हूं एरिया इज इक्वल टू, अब चूंकि पाई का मान है तो पाई इन टू आर का स्क्वायर करना है, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इन टू आर, ठीक है, आर का स्क्वायर हो गया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देना है हमें, हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। बंद करेंगे और यहाँ पर एरिया में जाके स्टोर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कर दिया हमने और हमारा काम हो गया। तो अभी इसको प्रिंट करवाने का वक्त है, तो यहाँ पे पहले सेव करता हूँ मैं एरिया डॉट पी वाई के नाम से। पी वाई एक्सटेंशन होता है पाइथन का, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ रन पे जाना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, तो यहाँ रन हो गया प्रोग्राम हमारा। एरिया ऑफ सर्कल यानी त्रिज्या कितनी हो, पहले तो हम त्रिज्या देंगे, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे 6 अगर हो रेडियस तो क्या आएगा, 113, यानी कि ये आएगा आंसर, एरिया ऑफ सर्कल ये आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर दोबारा मैं रन करवाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैं रन करवाता हूँ, देखिए। और इस बार मैं एरिया ऑफ सर्कल देता हूँ 76, अगर 76 हो तो आंसर हमारा ये आएगा 18136.64, यानी कि ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, और आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।